लॉकडाउन में मजदूर को घर पहुंचाने में लगभग 60 से 70 लाख खर्च हुआ था। कोरोना काल में लगभग इसमें भी 4 करोड़ खर्चा हुआ था। सोनू जी, आपके घर की तलाशी के लिए हम लोग आए हैं। किस बात का तलाशी भाई? जो आप लॉकडाउन में जो रुपया आप खर्च किए थे, वो पैसा आप कहाँ से कमाए हैं और किस स्रोत से आया है, उसका हम तलाशी लेने आए हैं। हम कौन सा गैर काम किए हैं कि हमारे घर के तलाशी लिए जा रहे हैं? देखिए कि हमको अच्छी ढंग से तलाशी लेने दीजिए और आप शांत रहिए। इंस्पेक्टर, इसमें आप अच्छा ढंग से चेक करो और कोने कोने की तलाशी लो, इस पर आप अच्छे ढंग से नज़र बनाए रखिए। चलो अब हम लोग को काम कर खुला है। अच्छा आगे बोलो। 3 छिपा है। अच्छा आगे बोलो। 1 टोपली है। अच्छा आगे बोलो, और कुछ नहीं ना है? 1 कढ़ाई है। अच्छा हो गया। चलो अब हम लोग ऑफिस के लिए चलते हैं और रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार साहनी और मैं सुजीत कुमार और ये रामकृष्णा कुमार और ये प्रिंस राज है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही सूचना देना चाह रहे हैं कि हमारे भारत में जितने अच्छे अच्छे इंसान हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारे गवर्नमेंट आयकर विभाग का छापा मारने का इजाज़त दे रहे हैं और उन्हें जेल भेज रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट से विनती है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें परेशान न करें, और हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मोदी जी के पास पहुँच।